एच डी एफ सी आर को ऑप्टीमा सिक्योर एंड निवा बुपा एस्पायर हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के दोनों ही टॉप मोस्ट प्लान में से एक हैं यदि आप कन्फ्यूज हैं कि आपको ऑप्टिमा सिक्योर लेना चाहिए या फिर निवा बुपा एस्पायर लेना चाहिए तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है इस वीडियो में हम दोनों ही प्लान के सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स को कंपेयर करेंगे उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को देखेंगे दोनों ही प्लान के प्रीमियम्स को देखेंगे और क्लेम सेटलमेंट का एक्सपीरियंस है उसका एनालिसिस करेंगे वेरियस रिश्यूज़ को देखेंगे और इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर यह डिसाइड करने का कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट है तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आशुतोष आपका पर्सनल फाइनेंस को चलिए वीडियो को शुरू करते हैं चलिए दोनों ही प्लान के कुछ बेसिक फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं मिनिमम एंट्री एज की बात करें तो दोनों ही प्लान में मिनिमम एंट्री एज एटीन ईयर्स है मैक्सिमम एंट्री एज निवा पूपा एस्पायर में सिक्सटी फाइव ईयर है एच डी एफ सी अर्गो ऑप्टीमा सिक्योर में पहले मैक्सिमम एंट्री एज सिक्सटी फाइव ईयरस थी लेकिन एक चार दो हज़ार चौबीस के बाद कंपनी ने मैक्सिमम एज कैपिंग रिमूव कर दिया है और अब आप एच डी एफ सी अर्गो ऑप्टीमा सिक्योर आफ्टर सिक्सटी फाइव की एज भी ले सकते हैं सम इन्श्योर्ड ऑप्शन ऑप्टिमा सिक्योर में फाइव लेख टू टू करोड़ तक के ऑप्शन अवेलेबल हैं निवापोपा एस्पायर में थ्री लेख टू वन करोड़ तक के ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एच डी एफ सी और ऑप्टीमा सिक्योर में ट्वेंटी फोर आवर्स से ऊपर के सारे हॉस्पिटलाइजेशन कवर होंगे निवापोपा इस्पायर एक यूनिक बेनिफिट है कि यदि एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है तो टू अवर्स से ऊपर का भी यदि कोई हॉस्पिटलाइजेशन है तो वो उसे कवर करते हैं रूम कैटेगरी रूम रेंट वाइज कोई भी कैपिंग नहीं है दोनों ही प्लान्स में किसी भी कैटेगरी का रूम आप ले सकते हैं अल्टरनेट ट्रीटमेंट या फिर आयुष ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक यूनानी सिद्धा होम्योपैथी इन ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन है तो वह दोनों ही प्लांट्स में कवर्ड है अप टू सम्योर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन दोनों ही प्लांट्स में अप टू सिक्सटी डेज तक के प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड वन एट्टी डेज तक के पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस कवर होंगे डे केयर ट्रीटमेंट दोनों ही प्लांट्स में ऑल डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर्ड है अप टू समे श्यूट दोस्तों डे केयर ट्रीटमेंट ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिनमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण ट्वेंटी फोर आवर्स से ऊपर के हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती बल्कि कुछ घंटों के ट्रीटमेंट में ही वह ट्रीटमेंट हो जाता है तो ऐसे सारे डे केयर ट्रीटमेंट अप टू समे श्यूट कवर्ड है दोनों ही प्लान्स में ऑर्गन डोनर कवर एच डी एफ सी ऑर्गो ऑप्टीम सेक्ट्योर में अप टू समे शोट कवर है नीवाबूपा एस्पायर में भी अप टू समे शूट कवर है एस्पायर प्लान में यह एक यूनिक बेनिफिट है कि यदि कोई पर्सन किसी को ऑर्गन डोनेट कर रहा है और उसके पास बूपा की एस्पायर पॉलिसी है तो उसके हार्वेस्टिंग तक के जो चार्जेस हैं वह अपनी पॉलिसी में भी कवर कर सकते हैं यह एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो कि किसी और प्लान में अवेलेबल नहीं है डोमिसली हॉस्पिटलाइजेशन दोस्तों यदि किसी पेशेंट की कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल होती है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर सकते हैं। या फिर आज पास किसी हॉस्पिटल में बेड ही अवेलेबल ना हो और ऐसे टाइम पे यदि हम घर पे हॉस्पिटलाइजेशन ले रहे हैं तो वो डोमेसिली हॉस्पिटलाइजेशन की कैटेगरी में आता है एच डी एफ सी हरकों में डोमेसिली हॉस्पिटलाइजेशन एज पर एक्चुअल कवर है निवापोप एसपार में भी अप टू समीशोर तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे होम केयर ट्रीटमेंट दोस्तों ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो कि डॉक्टर की एडवाइस से हम घर पे ही ले सकते हैं जैसे कि डायलिसिस कीमोथेरेपी सो so, ऐसे होम केयर ट्रीटमेंट के चार्जेस एज पर एक्चुअल कवर हैं एच डी एफ सी और ऑप्टीमा सिक्योर में निवापोपा एसपायर में अप टू समे श्यूट इनके चार्जेस अवेलेबल रहेंगे रोड एम्बुलेंस के लिए एच डी एफ सी और ऑप्टीमा सिक्योर में एज पर एक्चुअल चार्जेस अवेलेबल रहेंगे एस्पायर में भी अप टू समे श्यूट तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे एयर एम्बुलेंस के लिए ऑप्टिमा सिक्योर में अप टू फाइव लाख रुपीज़ तक के चार्जेस पर ईयर अवेलेबल रहेंगे नीवाबूपा एस्पायर में अप टू सम इंश्योर्ड पर ईयर चार्जेस अवेलेबल रहेंगे दोनों ही प्लान्स में फ्री हेल्थ चेकअप के ऑप्शन मिलते हैं जो कि वंस पर ईयर अवेलेबल रहेंगे एच डी एफ सी अर्गों में इनके बेनिफिट आपके समे श्योट पर डिपेंड करते हैं एंड नीवाबूपा एस्पायर में आप एज पर लिस्ट इनके बेनिफिट अवेल करा सकते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट दोनों ही प्लान्स में अप टू सम्योड कवर हैं सेकेंड मेडिकल ओपिनियन ऑप्टीमा सिक्योर में वंस पर पर्सन अवेलेबल है निवाबूपा एस्पायर में अनलिमिटेड टाइम्स सेकेंड मेडिकल ओपिनियन अवेलेबल रहेगा ई कंसल्टेशन एच डी एफ सी में इनबिल्ट अवेलेबल नहीं है एज ए राइडर हम ले सकते हैं निवाबूपा एस्पायर में अनलिमिटेड टाइम्स ई कंसल्टेशन अवेलेबल है मेटर्निटी कवर एच डी एफ़ सी अरगो अपने मां सिक्योर में अवेलेबल नहीं है नीवा बूबा एस्पायर में इन बिल्ट मैटर्निटी कवर है मतलब कि आपको उसके लिए अलग से कुछ भी पे नहीं करना होता है मेटर्निटी कवर के जो बेनिफिट हैं वो आपकी सम इंश्योर पर डिपेंड करते हैं अलग अलग सम इंश्योर पर अलग अलग मेटर्निटी के बेनिफिट हैं एंड जो मेटरिटी का वेटिंग पीरियड है वह आपके प्लान वेरियंट पर डिपेंड करता है अलग अलग वेरियंट पर अलग अलग वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेंगे न्यू वन बेबी कवर एच डी एफ सी अर्गो अपनी सिक्योर में अवेलेबल नहीं है निवाबोपा एस्पायर का एक बहुत ही यूनिक बेनिफिट है कि न्यूबॉर्न बेबी कवर इसमें अप टू सम एश्योर्ड अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड कवर दोनों ही प्लान में अवेलेबल है एज ए ऑप्शन अलग से आप राइडर या फिर प्लान वेरिएंट के साथ ग्लोबल कवर ले सकते हैं प्लान वेरिएंट्स की बात करें तो एच डी एफ सी आर ऑप्टीमा सिक्योर उसके अलावा एच डी एफ सी आर को सुपर सिक्योर जो कि एक थ्री ईयर वेरियंट है इसके अलावा ऑप्टीमा सिक्योर ग्लोबल जो कि इमरजेंसी ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करता है इसके अलावा ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल प्लस जो कि इमरजेंसी एज वेल एज प्लान हॉस्पिटलाइजेशन को भी कवर करता है ओवरसीज़ निवाबा एस्पायर में प्लान वेरिएंट्स की बात करें तो गोल्ड प्लस डायमंड प्लस प्लेटिनम प्लस एंड टाइटेनियम प्लस अवेलेबल है मैटर्निटी वेटिंग पीरियड गोल्ड प्लस में 48 एट मंथ्स डायमंड प्लस में 24 फोर मंथ्स प्लेटिनम एंड टाइटेनियम में नाइन नाइन का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा अदर वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो थर्टी डेज़ का इनिशियल वेटिंग पीरियड जो कि इंडस्ट्री वाइज कॉमन है इसके अलावा टू ईयर्स का स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड जो कि स्लो ग्रोइंग डिसीज़ के लिए होता है जैसे कि हर्निया काट्रैक नी रिप्लेसमेंट यह भी ऑलमोस्ट इंडस्ट्री वाइज कॉमन है इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ जो भी मेडिकल कंडीशन आपको पॉलिसी लेने से पहले है उसके लिए थ्री ईयर्स का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा दोनों ही प्लान्स में दोनों ही प्लान में कुछ यूनिक बेनिफिट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं एच डी एफ सी में जो सबसे पहला यूनिक बेनिफिट है सिक्योर बेनिफिट जो कि हमें डे वन से ही टू एक्स कवरेज देता है यदि आपने टेन लैख का पॉलिसी दिया है तो डे वन से ही आपको ट्वेंटी लैख का कवरेज मिलता है और यदि आपने ऑप्टिमा सिक्योर की जगह ऑप्टिमा सुपर सिक्योर प्लान ऑप्ट किया है जिसमें आपको तीन साल का प्रीमियम एक साथ पे करना होता है तो आपको टू एक्स की जगह थ्री एक्स कवरेज मिलता है डे वन से इसके अलावा प्लस बेनिफिट जिसमें आपको 50 परसेंट का क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है इर ऑफ एनी क्लेम मैक्सिमम अप टू 100 परसेंट so, सो 10 लाख पॉलिसी पे 5 लाख एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 5 लाख ऐसे 100 परसेंट का वन एक्स कवेज आपको प्लस बेनिफिट से या क्यूमेटिव बोनस से मिल जाता है नेक्स्ट बेनिफिट है रीस्टोर बेनिफिट जिसे हम रीफिल रीचार्ज या रीस्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं प्लान में आपको इन बिल्ट वंस इन अ पॉलिसी या री का बेनिफिट मिलता है लेकिन आप एज ए राइडर अनलिमिटेड रिस्टोर का बेनिफिट भी ऑप्ट कर सकते हैं जिसके लिए आपको बहुत ही नॉमिनल पॉइंट वन परसेंट का प्रीमियम पे करना पड़ता है सो टू थ्री हंड्रेड का प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करके आप अनलिमिटेड रिस्टोर का बेनिफिट ले सकते हैं जो कि एवरी ईयर सेकेंड क्लेम से अवेलेबल रहेगा रिलेटेड एंड अनरिलेटेड रिलेटेड के लिए पहले बहुत सारे प्लांट्स में ये कैपिंग होती थी कि आपको रिस्टोर या फिर अनलिमिटेड रिस्टोर तो मिलेगा लेकिन जिस डिसीज़ के लिए आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है और उसी डिसीज़ के लिए उसी साल में दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन है तो उसके लिए रिस्टोर के बेनिफिट नहीं मिलते थे बट दोनों ही प्लान्स में आपको रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेसिस के लिए रिस्टोर के बेनिफिट मिलते हैं नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट यूनिक बेनिफिट है एच डी एफ सी और ऑप्टीमा सिक्योर में है, वो प्रोटेक्ट बेनिफिट जो कि सिक्सटी एट नॉन पेएबल आइटम्स को कवर करता है इन बिल्ट मतलब आपको नॉन पेएबल आइटम्स को या फिर जो कंज्यूमेबल्स हैं उन्हें कवर करने के लिए अलग से कोई राइडर नहीं लेना पड़ेगा इन बिल्ट आपके प्लान में कवर होते हैं निवाबूपा एस्पायर के यूनिक बेनिफिट्स की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिक बेनिफिट नीवाबूपा एस्पायर में है वह लॉक द क्लॉक दोस्तों कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने पॉलिसी परचेज किया है बट हम प्रीमियम भरे जा रहे हैं हमने कोई क्लेम नहीं ही किया है उसके बाद भी हर चार पाँच सालों में हमारा प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है हमारा बैंड चेंज होने के कारण नीवा बुपा एस्पायर में आपको एक यूनिक बेनिफिट मिलता है जब तक आप अपना फर्स्ट क्लेम नहीं लेंगे तब तक आपका प्रीमियम एज वाइज इंक्रीज नहीं होता है नेक्स्ट यूनिक बेनिफिट है एस्पायर में बूस्टर प्लस जो कि आपका अनयूटिलाइज समीशोर्ड को कैरी फॉरवर्ड करते जाता है जो कि आपके वेरिएंट एंड एज वाइज अप टू टेन टाइम्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है जिसमें 18 टू 35 फाइव एज बैंड के लिए मैक्सिमम टेन टाइम्स 36 सिक्स टू फोर्टी फाइव एज बैंड के लिए मैक्सिमम फाइव टाइम्स एंड 46 सिक्स प्लस एज बैंड के लिए अप टू थ्री टाइम्स तक के जो क्यूमुलेटिव बोनस या फिर बूस्टर प्लस के बेनिफिट अवेलेबल रहेंगे साथ ही ये जो बूस्टर प्लस का बेनिफिट है आपको मेटर्निटी में भी जो समीश्रोट मिल रहा है उससे कैरी फॉरवर्ड करता है मेटर्निटी की बात करें तो इस प्लान में आपको अलग अलग समय शोट पे अलग अलग मैटरनिटी के बेनिफिट मिलते हैं जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं थ्री लैख समय शोट के लिए फोर थाउजेंड फाइव लैख के लिए फाइव थाउजेंड सेवन पॉइंट फाइव सेमेस्ोट के लिए टेन थाउजेंड टेन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फिफ्टी लैख फिफ्टीन थाउजेंड ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फाइव लैख ट्वेंटी थाउजेंड एंड फिफ्टी लैक एंड वन क्रो के लिए ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर ईयर के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे और यह भी अकॉर्डिंग टू योर बूस्टर प्लस बेनिफिट अप टू टेन टाइम्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है री एश्योर फॉर एवर जो कि री स्टोर री स्टेटमेंट या फिर रिचार्ज के नाम से भी हम जानते हैं जिसमें आपका जो बेसिक सम समेोरट है कंज्यूम हो जाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी वापस से आपकी पॉलिसी को रिफिल कर देती है दोस्तों ज़्यादातर प्लान्स में आपको हर साल सेकेंड क्लेम से जो रिस्टोर या फिर रीएश्योर के बेनिफिट अवेलेबल होते हैं यह है एक यूनिक प्लान है जिसमें वंस इन अ पॉलिसी लाइफ टाइम आपके फर्स्ट क्लेम के बाद से ही लाइफ टाइम के लिए रीएश्योर के बेनिफिट अवेलेबल रहेंगे तो आपको हर साल सेकेंड क्लेम की जगह सिर्फ फर्स्ट क्लेम के बाद से ही लाइफ टाइम के लिए रियश्योर का बेनिफिट अवेलेबल रहता है चलिए दोनों ही प्लान्स के ऑप्शनल बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं एच डी एफ सी अर्कों में जो सबसे अच्छा यूनिक ऑप्शनल बेनिफिट है वह है एन आर आई डिस्काउंट यदि आप एन आर आई हैं इंडिया के बाहर रहते हैं और इंडिया में एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी मेंटेन करना चाहते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिनमें आपको एन आर आई होने पर एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है आपकी पॉलिसी पर नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है अनलिमिटेड रिस्टोर जिसमें एक नॉमिनल प्रीमियम पे करके आप अनलिमिटेड टाइम से स्टोर का बेनिफिट अवेल करा सकते हैं क्रिटिकल इलनेस जो कि 51 क्रिटिकल इलनेसिस को कवर करता है जिसके लिए आपको वन लैक टू टू करोड़ तक के समोर्ट ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे नेक्स्ट बेनिफिट है हॉस्पिटल गैस जिसमें आपको फाइव हंड्रेड पर डे से लेकर टेन थाउजेंड पर डे तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के लिए ड्यूरिंग योर हॉस्पिटलाइजेशन नेक्स्ट बेनिफिट है पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो कि एक्सीडेंटल डेथ परमानेंट डिसेबिलिटी परमानेंट पार्शियल एंड टोटल डिसेबिलिटी को कवर करता है और ऐसे केस में आपको एक लमसम बेनिफिट का पे आउट होता है नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है ऑप्टिमा वेलबिंग जिसमें आपको अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन अनलिमिटेड इन पर्सन डॉक्टर कंसल्टेशन डाइट एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन जैसे बेनिफिट मिलते हैं चलिए अब बात करते हैं न्यूवाब ऊपा एस्पायर के ऑप्शनल बेनिफिट्स की सो so, पहला ऑप्शनल बेनिफिट है फास्ट फॉरवर्ड जिसमें यदि आप टू और थ्री इयर्स का प्रीमियम एक साथ पे करते हैं तो आपको बूस्टर प्लस के जो बेनिफिट हैं वह एक साथ एक्यूमलेट हो जाते हैं सो तो आपको जो फ्यूचर में नेक्स्ट टू थ्री इयर्स में जो समय शोट का कैरी फॉरवर्ड होने वाला है वह वा एक साथ मिल जाता है साथ ही साथ आपको मेरेकल जो मेटर्निटी के बेनिफिट हैं वह भी एक साथ एक्यूमलेट हो जाते हैं सो तो जैसे टेन के पॉलिसी में आपको ट्वेल्व पर ईयर का मेटर्निटी बेनिफिट मिलता है सो तो यदि आप तीन साल का प्रीमियम पे करते हैं फास्ट फॉरवर्ड के साथ तो आपको ट्वेल्व थाउजेंड इंटू थ्री थर्टी सिक्स थाउजेंड के बेनिफिट फर्स्ट ईयर से ही अवेलेबल रहेंगे नेक्स्ट बेनिफिट है फ्यूचर रेडिंग सो अभी आप सिंगल हैं और दो तीन चार सालों बाद आपका मैरिज होने वाला है सो so, ऐसे में इस बेनिफिट को आप साथ में लेके जो मैटर्निटी का वेटिंग पीरियड है उसका कंटिन्यूटी बेनिफिट ले सकते हैं मतलब शादी के बाद आपके या फिर आपके स्पाउस को सेपरेटली मैटर्निटी के लिए वेटिंग पीरियड सर्व नहीं करना पड़ेगा बल्कि इस पीरियड का जो है कंटिन्यूटी बेनिफिट आपको मिल जाएगा नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है बॉर्डर लेथ यदि आप इंटरनेशनल ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को अपने पॉलिसी के साथ ऑप्ट कर सकते हैं जिसमें आपको वेरियस को पेमेंट के भी ऑप्शन मिल जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है कैशबैक जिसमें आपको फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे टेन परसेंट एंड रिन्यूअल प्रीमियम पे फाइव परसेंट का एक कैशबैक मिलता है जिसे आप वेरियस मेडिकल नीड्स में यूज कर सकते हैं प्रीमियम पेमेंट डिडक्टिबल को पेमेंट एंड ओ में नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है सेफ प्लस जिसमें हमें तीन बेनिफिट्स मिलते हैं पहला तो क्लेम सेफ जो कि जो नॉन पेएबल कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं उन्हें कवर करता है ज़्यादातर इंश्योरेंस प्लान जो कंज्यूमेबल्स के राइडर होते हैं उनमें जो एनएक्शर वन के नॉन पेएबल आइटम्स होते हैं सिर्फ उन्हें ही कवर करते हैं बट यह जो राइडर है एनएक्शियर वन टू थ्री एंड फोर सारे ही आइटम्स को कवर करता है इसके अलावा यदि आपका जो क्लेम है एक लाख रुपए से कम है तो आपका जो बूस्टर प्लस का जो बेनिफिट है जो कैरी फॉरवर्ड होने वाला है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता और पूरा का पूरा जो समय श्योड है वह कैरी फॉरवर्ड होता है इसके अलावा यह बेनिफिट आपका जो बेसिक समे श्योड है उसे इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज करते जाता है नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है वेल कंसल्ट जिसमें आपको टेली कंसल्टेशन फिजिकल कंसल्टेशन डायग्नोस्टिक्स फार्मेसी जिम मेंबरशिप इस टाइप के जो भी वेलनेस बेनिफिट हैं इसमें मिलते हैं नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है पर्सनल एक्सीडेंट कवर जिसमें आपको एक्सीडेंटल डेथ के लिए अप टू फाइव टाइम्स ऑफ योर बेसिक सम इशोर्ट के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे नेक्स्ट बेनिफिट है हॉस्पिटल कैश जिसमें आपको थाउजेंड रुपीज़ पर डे से लेके फोर थाउजेंड रुपीज़ पर डे तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे फॉर योर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है एग्रीगेट डिडक्टिबल जिसमें आपको ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड एंड वन लेख तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं सो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका प्रीमियम्स एक्सपेंसिव हो रहा है आप प्रीमियम पे नहीं कर सकते तो आप अपनी पॉलिसी के साथ डिडक्टिबल ऑप्ट कर सकते हैं जिसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है डिडक्टिबल का मतलब यह है कि जो भी डिडक्टिबल का अमाउंट है लेट सपोज आपने पॉलिसी के साथ ट्वेंटी थाउजेंड का डिडक्टिबल आउट किया है तो जब भी कोई क्लेम होगा तो इनिशियल हॉस्पिटल बिल का ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ आपको पे करना होगा और ट्वेंटी थाउजेंड के बाद का जो भी अमाउंट होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी दोनों ही प्लान्स में हमें जोन वाइज प्रीमियम देखने को मिलता है जहाँ एच डी एफ सी अर्गों में टू जोन्स हैं नीवाबोपा एस्पायर में फोर जोन्स हैं दोनों ही प्लान में जोन वाइज तो कोई को पेमेंट नहीं है बट यदि हमारे परमानेंट रेसिडेंस में कोई चेंज होता है जोन चेंज होता है तो हमें कंपनी को इंटीमेट करना बहुत ही जरूरी है प्रीमियम्स की बात करें तो प्रीमियम के लिए मैंने एक थर्टी ईयर ओल्ड कपल का एग्जाम्पल लिया विथ टू किड्स डेली एन सी आर टेन लैख रुपीज के लिए एच डी एफ सी अर्गो में प्रीमियम है थर्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एट्टी एट वहीं निवापूपा एस्पायर टाइटेनियम वेरिएंट में प्रीमियम है ट्वेंटी फोर थाउजेंड एट सेवेंटी नाइन चलिए बात करते हैं क्लेम एक्सपीरियंस की क्लेम सेटलमेंट रेशियो एच डी एफ सी अर्गो का एट्टी थ्री पॉइंट सी वन परसेंट वहीं निवाबूपा का है एट्टी फाइव पॉइंट वन एट परसेंट दोस्तों क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो ऑलमोस्ट सिमिलर है बट क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक सही पैरामीटर नहीं है किसी कंपनी के क्लेम एक्सपीरियंस को एनालाइज़ करने के लिए क्योंकि इससे हमें एक ट्रू पिक्चर पता नहीं चलती कि कौन सी कंपनी कितना परसेंट क्लेम डिस्पर्स कर रही है और कितना डिडक्शन कर रही है कुछ कंपनी होती हैं जो अपने क्लेम्स में बहुत ज़्यादा डिडक्शन करते हैं और कुछ नॉमिनल डिडक्शन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इनकर्ड क्लेम रेशियो इनकर्ड क्लेम रेशियो एच डी एफ सी अर्कों का एट्टी थ्री पॉइंट फाइव थ्री परसेंट वहीं नीवा पा का है सिक्सटी फाइव पॉइंट फोर फोर परसेंट दोस्तों इनकर्ड क्लेम रेशियो का मतलब यह है कि कंपनी के पास एक साल में कितना प्रीमियम रिसीव हुआ और उसके अगेंस्ट में कंपनी ने कितना क्लेम दिया है जिस कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो ज़्यादा होता है तो ये शो करता है कि कंपनी क्लेम देने में ज़्यादा अच्छी है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन नहीं कर रही है यह जो रेशियो है सिक्सटी टू एट्टी परसेंट काफ़ी हेल्दी माना जाता है सो इनकर्ड क्लेम रेशियो वाइज दोनों ही कंपनी का जो इनकर्ड क्लेम रेशियो है काफ़ी अच्छा है बट यदि हम एच डी एफ सी अर्गो का देखें तो काफ़ी ज़्यादा हाई है नीवाबूपा एस्पायर से सो so, ये कहीं ना कहीं शो करता है कि नीवाबूपा एस्पायर के कंपैरिजन में जो एच डी एफ सी अर्गो है काफ़ी अच्छा क्लेम डिस्बस कर रहे हैं उनके क्लेम समय डिडक्शन जो है काफ़ी कम हो रहे हैं परसेंट कंप्लेंट रिसीव ऑन ओवरऑल क्लेम्स की बात करें तो पॉइंट जीरो एट परसेंट है एच डी एफ सी अर्गो के लिए एंड पॉइंट फोर नाइन परसेंट है नीवाबूपा के लिए सो so, इट क्लियरली शोज़ कि कंप्लेंट रेशियो निवाबूपा में ऑलमोस्ट सिक्स टाइम्स है वहीं परसेंट ऑफ क्लेम रिसीव्ड फॉर आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो पॉइंट ज़ीरो वन परसेंट है दोनों ही कंपनीज़ में एंड वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो एच डी एफ सी अर्गो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव साइड है उनका प्रीमियम थोड़ा हाई होता है वहीं जो निवाबूपा एक्सपायर है वह फेयर वैल्यूड है ऐसे में ये क्वेश्चन आता है कि हमें एच डी एफ सी अर्गो की तरफ जाना चाहिए या फिर निवाबूपा के तरफ दोस्तों यदि आप ऐसे पर्सन हैं जो कि सिर्फ आपके लिए सर्विस ज़्यादा मैटर करती है प्रीमियम ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं मतलब कि आप हायर प्रीमियम पे करने से भी कंफर्टेबल हैं डेफिनेटली एच डी एफ सी अर्कों का अपटिमा सिक्योर आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा बट यदि आप एक वैल्यू फॉर मनी प्लान चाहते हैं एडवांस्ड फीचर्स चाहते हैं एक रीज़नेबल प्रीमियम में ज़्यादा फीचर्स चाहते हैं तो आपके लिए निवाबूपा जो एक्सपायर है वह ठीक रहेगा यदि आपको अपने पॉलिसी के साथ मैटर्निटी की रिक्वायरमेंट है यदि फ्यूचर में आपकी शादी होने वाली है या फिर फ्यूचर में आप अपने शादी के बाद बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली निवाबूपा एस्पायर प्लान आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकता है क्योंकि इसमें मैटर्निटी जो भी कुछ आपको मिल रहा है वह इनबिल्ट मिल रहा है आप उसके लिए अलग से कुछ पे नहीं कर रहे हैं दूसरा इसका जो सबसे बेस्ट बेनिफिट है मैटर्नी के साथ जो न्यू बेबी कवर है अप टू सम कवर है सो so, यदि न्यूबॉर्न बेबी के साथ यदि कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो आप उसे अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं इस पॉलिसी के साथ साथ ही आप यदि फास्ट फॉरवर्ड बेनिफिट लेते हैं तो तीन सालों का मेटर्निटी बेनिफिट भी एक साथ एक्यूमुलेट कर सकते हैं जो कि आपके डिलीवरी कॉस्ट को काफ़ी हद तक कंपनसेट कर सकता है तो आई होप कि दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कौन सा प्लान आपके लिए ज़्यादा बेटर है यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों यदि आप मेरे साथ अपना हेल्थ इंश्योरेंस डिस्कस करना चाहते हैं या फिर मेरे साथ हेल्थ इंश्योरेंस को परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं जिसमें मैं आपकी पर्सनल फाइनेंशियल एंड मेडिकल कंडीशन को एनालाइज़ करके एक सही प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूँ साथ ही साथ हमारी टीम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करती है क्लेम सेटलमेंट के लिए सो so यदि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एक बेटर सर्विस चाहते हैं तो डेफ़िनेटली हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद